हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, यानी कि आपका मैं दोस्तों आज ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन है जो पहले से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस टाइप पर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना देख सकते हो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सभी क्वेश्चन को कवर किया हूँ वीडियो में, लास्ट तक देख रहे हो दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बतलाना है कि आपको पहले से कितने ऑब्जेक्टिव मालूम थे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, तभी पता चल पाएगा दोस्तों आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 23 क्वेश्चन को दोस्तों जिक्र करूंगा, जिसमें से आपको दोस्तों कमेंट करके बताना आपको पहले से कितने आंसर सॉल्व करने आते थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका दोस्तों चैनल पर नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे दोस्तों आप भी आकर के यहां पर दोस्तों रेगुलर क्लास कर सकेंगे, जिससे दोस्तों आपकी जो तैयारी हो दोस्तों वो एग्जाम से पहले होने की गारंटी है। चलिए दोस्तों, कहता है कि साइन इनवर्स 1/x वो किसके इक्वल है। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया 19 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, बीएससीबी के एनुअल एग्जाम 2019 में पूछा गया दोस्तों कि साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो ये दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का होता है दोस्तों। आप लोगों का बहुत ही अच्छा जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो, यानी कि दोस्तों जो साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है दोस्तों, कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, और कमेंट करके हमको बतलाना कि आपको पहले से कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आते थे। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलो दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कराया कि कोट इनटू दोस्तों दिया टैन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो सब लोग जानते हो दोस्तों, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। पाई बाई टू होता है दोस्तों, जो टैन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स जो होता है दोस्तों, वो पाई बाई टू के इक्वल होता है। यानी कि दोस्तों पाई बाई टू यानी कि कोट पाई बाई टू का मतलब दोस्तों क्या है, कोट 90 डिग्री। और कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए दोस्तों कोट 90 डिग्री का मान 0 था, लेकिन टैन 90 का मान अपरिभाषित होता है। लेकिन दोस्तों कोट 90 डिग्री का मान पूछा, जो कोट 90 डिग्री का दोस्तों जो मान होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों 0 डिग्री होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों, 0 डिग्री हो जाएंगे कोट 90 डिग्री का मान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे, कोट 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड नंबर कहता है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 1/2 जो होता है दोस्तों, साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो अधिकतर स्टूडेंट जानते होंगे साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन इसको लोग दोस्तों रेडियन में पाई बाई 6 के रूप में लिखते हैं, ठीक है, पाई बाई 6 के रूप में लिखते हैं। किस रूप में दोस्तों, पाई बाई 6 के रूप में लिखे हैं, उसी तरह से दोस्तों क्या होगा, तो इस तरह से लिख दीजिए दोस्तों साइन इनवर्स, और दोस्तों लिखिए साइन, अभी दोस्तों जो मान होता है पाई बाई 6 का होता है, ठीक है, पाई बाई 6 का। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर पाई बाई 6 होता है दोस्तों। पहले यहाँ ध्यान से समझिए, साइन इनवर्स जो होता है दोस्तों, साइन एक्स या दोस्तों एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है, एक्स के इक्वल हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो ये एक्स है, ये एक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो, यहाँ पर जो पाई बाई 6 हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर पाई बाई 6 होगा। यानी कि राइट आंसर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अर्थ निकलता है कि साइन दोस्तों 1/2 जो मान होता है दोस्तों रेडियन में, ये दोस्तों पाई बाई 6 का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो देंगे। आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छा ही कर रहे होंगे दोस्तों, और सब लोग आंसर को कमेंट करते रहें दोस्तों, सॉल्व करते रहिए और आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि दोस्तों आपका मन ओवर बढ़ेगा दोस्तों, और वीडियो में लास्ट तक बने रहो, समझने की कोशिश करो, और हमें कमेंट करके बताओ कि पहले से आपको कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आते थे। क्योंकि मैंने दोस्तों पांच में ज्यादातर क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कराया, साथ में मैंने दोस्तों पूरी ट्रिक के साथ मैंने दोस्तों एक नॉलेज भी दिया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टैन इनवर्स माइनस एक्स पूछा, देखिए दोस्तों इसका भी मैंने ट्रिक दिया था, साइन कोसेक और टैन रहेगा तो माइनस टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एंगल में जो माइनस रहेगा वो माइनस बाहर चलाएगा, वही दोस्तों कॉस इनवर्स में रहेगा, तो मैंने बताया था कॉस इनवर्स
माइनस एक्स रहेगा, तो पाई माइनस कोस इन बास एक्स बोला था दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन करा टैन इन बास एक्स में, तो टैन इन बास में दोस्तों माइनस खाली पर दोस्तों क्या होता है, बाहर चला होता है, चला आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस टेन इन बस एक्स हो जाएंगे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो किसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये सारा दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, इस तरह से गुना कीजिए, इस तरह से घटा दीजिए, यानी कि दोस्तों इससे गुना करोगे तो एक्स होगा, ठीक है, और इसमें इससे गुना करोगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है दोस्तों, फिर माइनस वाई लगेगा, और माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा तो प्लस होगा, तो एक्स प्लस वाई होगा, यानी कि दोस्तों इस तरह से गुना किया तो एक्स प्राप्त हुआ, इस तरह से गुना करते हो माइनस में, तो माइनस में दिया दोस्तों, और माइनस वाई हो गया तो यहाँ पर माइनस हुआ, और माइनस माइनस प्लस बन गया तो एक्स प्लस वाई हो गया, यानी कि देख सकते हो दोस्तों एक्स प्लस वाई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी होप दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी दोस्तों स्टूडेंट आकर के दोस्तों आपके प्रिय जितने भी छात्र हैं दोस्तों उसको आप शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों वो भी आकर के एग्जाम दे सके दोस्तों, और उन्हें भी पता चल सके उसकी दोस्तों जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, ठीक है दोस्तों। एकदम यहाँ से परख सकते हो दोस्तों आपकी तैयारी वो किस लेवल पर चल रही है। चलिए दोस्तों ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आएगा, तो आप लोगों का दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि बहुत हार्ड आता है, लेकिन दोस्तों वैसी बात नहीं है दोस्तों, इस बार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बता सकते इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे, देखिए दोस्तों टू ए, यानी कि दोस्तों ये ए दिया गया, इसमें टू से गुना करेंगे, फिर बी में थ्री से गुना करेंगे, देख सकते हो ए जो है दोस्तों इसमें टू से गुना होगा, और थ्री बी में यानी कि दोस्तों इसमें थ्री से गुना होगा, तो इस तरह से दोस्तों क्या क्या हमें जोड़ना है, तो इसमें दोस्तों दो का गुना करेंगे दोस्तों, इस तरह से करोगे, ठीक है, तो पूरे दोस्तों अभ्यय में होगा, क्यों पूरे अभ्यय में होगा, तो दोस्तों मैट्रिक्स का चिन्ह है, इसलिए दोस्तों मैट्रिक्स का चिन्ह है, इसलिए दोस्तों इसमें तो पूरे अभ्यय में गुना होगा, अगर डिटर्मिनेंट करा तो कोई एक या एक एक पंक्ति या तो कोई एक स्तंभ होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स का चिन्ह होता है दोस्तों, इस तरह का दोस्तों क्या होता है तो सारणी का होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स का होता है दोस्तों, तो पूरे अभ्यय में गुना करेंगे, तो पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे, जब दोस्तों इससे गुना करेंगे, इससे 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 और इससे करेंगे दोस्तों, तो इस तरह का दोस्तों हमें आंसर प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों तीन दुनी के छः हो जाएंगे, छः दुनी के बारह हो जाएंगे, पाँच दुनी का दस हो जाएंगे, और माइनस चार दुनी का आठ हो जाएंगे, इस तरह का दोस्तों प्राप्त होगा, और फिर प्लस करना है, फिर थ्री दोस्तों है जी, थ्री में बी में दोस्तों थ्री से गुना करना है, तो दोस्तों यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से समझते जाइए, कहता है दोस्तों सत्याई को इक्कीस हो गए दोस्तों, ठीक है, और फिर दोस्तों आठतीय को चौबीस हो गए, यहाँ पर दोस्तों चौबीस हो गए, ठीक है, यहाँ दोस्तों ध्यान से समझिए, और यहाँ पर पांतिया को पंद्रह हो गए दोस्तों, तीन में गुना होकर के, ठीक है, पांतिया को पंद्रह, और छेतिया को अठारह, और दोस्तों यहाँ पर अठारह लिख देंगे, और उसको ऐड करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं किस तरह से ऐड करता हूँ, इस तरह से दोस्तों मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जब आप ऐड करोगे तो दोस्तों ये इक्कीस और छेद मिलकर दोस्तों सत्ताईस बनेंगे, ठीक है, सत्ताईस बनेंगे, और फिर दोस्तों ये बारह और चौबीस कितना हो जाएंगे दोस्तों, बारह और चौबीस दोस्तों छत्तीस हो जाएंगे, ठीक है, छत्तीस भी प्राप्त हो गया मुझे। चलिए दस और पंद्रह कितना होगा दोस्तों, तो पच्चीस होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों पच्चीस होगा, तो मैं यहाँ पच्चीस भी लिख देता हूँ, यहाँ दोस्तों कितना छत्तीस है, यहाँ पच्चीस लिख दिया, ठीक है, और यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम कितने भी कम जो है स्टूडेंट बिल्कुल समझ होंगे। चलिए माइनस आठ और दोस्तों क्या अठारह कितना होता है, तो माइनस आठ अठारह दोस्तों दस होता है, क्या होता है दोस्तों दस होता है, आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में ये दोस्तों जो मेरा आंसर प्राप्त हुआ ये कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, इतना इजी मैं बतलाया हूं कि दोस्तों आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूं समझ में, ये दोस्तों जो आंसर दिया देख सकते हो बी में दिया गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, आप लोगों ने मिला लिया होगा, मैं आशा करूंगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके दिखलाया, आशा है दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में, इतना बेहतरीन तरीका से बतलाया दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल पर पाले हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेगा दोस्तों, साथ में मैंने मैथ का जो होता है दोस्तों प्ले लिस्ट बना दिया, अगर वहां से देखोगे तो एकदम दोस्तों कितने भी कमजोर होंगे मैथ में वहां से दोस्तों आप एकदम रुचि दिखा सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक्स देगा तो पूरे अभ्यय में गुना कर देंगे, तो इस तरह से गुना करेंगे दोस्तों तो छः प्राप्त होगा, ठीक है, फिर आठ प्राप्त होगा, फिर दस प्राप्त होगा, फिर टू एक्स प्राप्त होगा, तो इस तरह का दोस्तों करेंगे तो प्लस में दोस्तों यहाँ पर वन बाय और जीरो वन दोस्तों इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों तुलना कर देंगे, यानी कि दोस्तों छः एक सात हो जाएंगे, आठ प्लस बाय और दस
10 हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों 2x प्लस 1 हो, तो उसी तरह से दोस्तों करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, 2x 7 7 7 हो गए दोस्तों, ये तो 7 7 हो गए। तो मेरा दोस्तों x और y का मान पूछा, तो कुछ नहीं करना है, इससे दोस्तों गुना हो गया तो 5x हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों 5x बराबर दोस्तों 10 हो जाएंगे। 5x बराबर दोस्तों ये गुना इसमें होगा दोस्तों, तो 5x 0 जुड़ेंगे दोस्तों, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर पहले ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दम समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इससे गुना करेंगे दोस्तों तो 10 होगा, बिल्कुल दोस्तों समझ रहे हो, 10 होगा ठीक है, क्या होगा दोस्तों 10 हो जाएंगे ठीक है। इसमें इससे गुना करेंगे दोस्तों, और इसमें इससे गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा ठीक है दोस्तों। देखो हम समझने की कोशिश कीजिए, तो मेरा x और y का मान पूछा है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले इसमें इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस y बराबर 0, 8 प्लस y देखे दोस्तों 4 दुने के 8 प्लस y ठीक है दोस्तों, 8 प्लस y बराबर 0, यानी कि y बराबर -8 प्राप्त हुआ दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ -8 प्राप्त हुआ, यानी कि दोस्तों y का मान जो निकल गया दोस्तों वो 8 निकल गया। अब x का मान निकालना, तो देखिए दोस्तों इसमें गुना होगा 2x हो जाएंगे, 2x प्लस 1 हो जाएंगे, 2x प्लस 1 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल समझा कर जाऊँगा दोस्तों ठीक है, 2x प्लस 1 करूँगा दोस्तों, 2x प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए, 2x प्लस, 2x प्लस क्या दोस्तों, 2x प्लस 1 ठीक है दोस्तों। इस तरह से किया, इसमें इससे गुना किया दोस्तों, और प्लस 1 यहाँ पर जोड़ रहा इसके जगह पर दोस्तों, यानी कि जो तुलना होता दोस्तों एकदम बराबर एंगल में, उसी तरह से मैं करूँगा बराबर अव्यय में, 2x प्लस 1 बराबर दोस्तों क्या प्राप्त होंगे तो 5 प्राप्त होंगे। अब इसका दोस्तों हाल करोगे तो 2x बराबर क्या हो जाएंगे तो 5 माइनस यानी 4 हो जाएंगे, x बराबर क्या प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों 2 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों x बराबर 2 और y बराबर 9, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिएगा, x बराबर 2 और y बराबर दोस्तों 8 है, 8 आया था दोस्तों, यहाँ लगता है दोस्तों 8 ही आया था, देख लेते हैं कौन और y का मान, ये दोस्तों इस तरह से गुना हुआ था, 8 प्लस y बराबर दोस्तों 0, हाँ दोस्तों यहाँ पर y बराबर -8 ही प्राप्त हुआ था ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ला करके एकदम गर्दा मचा सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो नहीं समझ में आया दोस्तों तो थोड़ा सा क्या कीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लिया करें दोस्तों, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आया, इतने जीबे में बताऊंगा दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया है, ये दोस्तों पूरा अभी इसमें गुना किया, प्लस में जोड़ दिया दोस्तों, तुलना कर दिया, यानी कि तुलना करने का मतलब है दोस्तों इसमें इससे तुलना हुआ, और ये y का दोस्तों किस में तुलना होगा, तो y का दोस्तों किस में तुलना होगा तो 0 में तुलना होगा, इसमें दोस्तों ऐड करके किया, पर पहले ऐड कर लिया फिर किया है, तो भाई साहब आप लोग करोगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, इतने इजी वे में बता रहा दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, किसी प्रकार का दोस्तों समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए कहता दोस्तों 3x3 कोटि का एकांक का भी कौन है दोस्तों, देखिए 3x3 कोटि का एकांक का भी पूछा दोस्तों, तो 3x3 कोटि का कहने का दोस्तों जो पंक्ति और स्तंभ होंगे दोस्तों 3x3 कोटि के होंगे, जो कि दोस्तों देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में दिया, 3x3 कोटि का एकांक का भी कहने का अर्थात है दोस्तों कि एकांक यानी कि एक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, देख सकते हो यहां पर एकांक अभी हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये दोस्तों एग्जाम में पक्का पूछा जाना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम याद रखना, एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अगर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में और नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको मैथ की इतनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से पता कर लेना ठीक है। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कहता दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहता इस तरह से गुना करोगे इस तरह से घटाव करें, यानी कि दोस्तों इस तरह से गुना करें तो 4x होगा ठीक है, 4x होगा दोस्तों, इस तरह से गुना करेंगे तो माइनस में, तो माइनस में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4x माइनस 60 प्राप्त होंगे, 4x बराबर दोस्तों 60 प्राप्त हो गए ठीक है, प्लस में चलेगा दोस्तों x बराबर क्या प्राप्त होंगे तो दोस्तों 60 बटा 4 प्राप्त हुए, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर देंगे। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल पसंद आया दोस्तों, इस तरह का टॉप दोस्तों आपको बिल्कुल एकदम एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों, एकदम इस टॉप का दोस्तों जितना भी क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लीजिए, प्लेलिस्ट में मैं आशा करूंगा आप लोग अगर नहीं देखो प्लेलिस्ट तो प्लीज जाकर के यार देख लेना, वहां पर मैंने समाकलन के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन के ट्रिक वाइज वीडियो बतलाया है, तो वहां से देख करो दोस्तों, तो आपको दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने बेहतरीन हो जाओगे मैथ में। चलिए ये दोस्तों सारने का मान निकालना, चलिए आप सब लोग तो निकाल ही सकते हो सारने का मान दोस्तों निकालना है, देखिए इस तरह से करेंगे दोस्तों, अगर एक को लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से गुना करके इस तरह से घटा देंगे, मैं बतलाऊंगा दोस्तों समझाऊंगा भी, पहले यहाँ पर मैं थोड़ा ट्रिक यहाँ पर रिप्लाई मार रहा हूँ, यहाँ पर एक को लूंगा दोस्तों तो इस तरह से कट जाएगा, यानी कि दोस्तों ये बचेगा और ये बचेगा,
ये वाला एक को लूंगा दोस्तों तो क्या होगा, ये वाला एक को लूंगा तो ये कैसे ये बचेंगे, तो उसी तरह से करेंगे। तो एक को लूंगा दोस्तों, एक को मैं दोस्तों लूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए नौतिया के 27-24, तो 27-24 तीन प्राप्त हुए, ठीक है, क्या प्राप्त हुए, तीन प्राप्त हुए। फिर माइनस आएगा दोस्तों, इस तरह से जानते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, मैं आशा करूँगा आप लोग सब लोग जानते होंगे ये वाला नियम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस प्राप्त होगा, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक बार और करेंगे, इस तरह का दोस्तों नहीं है तो इस तरह का प्राप्त होगा। तो नौ दोने के 18-16 यानी कि दोस्तों 18-16 यानी 2 प्राप्त हुए, ठीक है, इस तरह को मैंने कर दिया दोस्तों। अभी यहाँ पर प्लस वन यहाँ पर दोस्तों लेंगे तो इस तरह से ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 6 दोने के 12 यानी कि 0, ठीक है दोस्तों, 12-12 यानी 0, यानी कि दोस्तों 3-2=1 प्राप्त हुआ। देख सकते हो दोस्तों इतना इजी वे में बतलाया हूँ, मैं आशा करूंगा दोस्तों एकदम बिल्कुल आपको एकदम समझ में आया होगा, एकदम 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप लोग भी सही बनाएंगे, मैं आशा करूंगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग दोस्तों आंसर कमेंट करते रहना दोस्तों, और वीडियो में लास्ट तक बना रहो दोस्तों, ये उद्देश्य मत पाना कि मैं सही करूंगा तो मैं बहुत तेज हो जाऊंगा दोस्तों। आप ये देखिए आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो दोस्तों एग्जाम में, वहां पर आपको सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव को मानना होता है, ये नहीं कि आप ऑप्शन ए बी सी करते चलेंगे दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों आंसर सॉल्व हो जाएगा तो 10 का ए मार दीजिएगा, आपको दोस्तों 10 का जो आंसर रहेगा सॉल्व करने के बाद आएगा उसका आंसर को दोस्तों आप लोग कमेंट कर देना, ताकि दोस्तों आपका मनोबल बढ़ेगा दोस्तों और आप मैथ में और भी मेहनत करने लगोगे। चलिए 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ए डैश दोस्तों पूछेगा जब भी, तो पूछ रहे करना जो सूता हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है मेरा ये दोस्तों जो पारा हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों खड़ा करोगे तो ये दोस्तों इस तरह से हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यानी मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, कुछ नहीं किया ए डैश यानी कि दोस्तों सीधा कर दिया, यानी कि दोस्तों इस तरह का इंटरफेस था दोस्तों, तो मैंने इस तरह से कर दिया, यानी कि दोस्तों जो पड़ा हुआ लिशाइनी था उसको मैंने दोस्तों खड़ा कर दिया। यहाँ पर दोस्तों पड़ा हुआ लिशाइनी है, ठीक है, मान लीजिए ये लिशाइनी है दोस्तों, इसको मैंने खड़ा किया है इस तरह से ए डैश में। तो दोस्तों इस तरह का जब आंसर प्राप्त होगा तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर दिए गए। आई होप दोस्तों इतना ट्रिक बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल दम कंफर्म हो जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग यार आंसर को कमेंट करते रहना ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, एकदम समझिए ऑनलाइन टेस्ट इन चल रहा है दोस्तों, एकदम समझिए कि एग्जाम आप दे रहे हैं, एग्जाम हॉल समझिए और यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताना है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस तरह से गुना करूँगा, इस तरह से गुना करूँगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, तो जब करूँगा दोस्तों तो साइन बीस प्राप्त होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से गुना करूंगा दोस्तों, तो माइनस यहाँ पर माइनस लिख दूंगा, फिर इस तरह से करूंगा तो कॉस दोस्तों कितना 20 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू ये इनटू का चिन्ह है दोस्तों, ठीक है, साइन कितना हो, इस तरह से गुना करें फिर इस तरह से किए तो साइन 70, फिर आप में लिखना है दोस्तों क्या, तो साइन 70, ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्राप्त हो गए साइन 70। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्यों, तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी पहले से माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका एक सूत्र होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए साइन ए प्लस बी का सूत्र है, ठीक है दोस्तों, किसका सूत्र है ए प्लस बी का, और साइन ए कितना है दोस्तों 20 है, और साइन बी 70 है, यानी कि दोस्तों साइन 20+70 अब देख सकते हो दोस्तों साइन 19 प्राप्त हो गए, और साइन 19 का मान 1 होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर देंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल दम समझ में आ रहा हो दोस्तों, अगर समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद प्लीज शेयर कर देना दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग धमाल मचा सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है, चलिए साइन इनवर्स दोस्तों देखिए 1/2 जो मान होता है दोस्तों 1/2 यह दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान होता है, और रेडियन में जो 45 डिग्री को जो लिखा जाता है दोस्तों π/4 के रूप में लिखा जाता है, था दोस्तों π/4 के रूप में दोस्तों रेडियन में लिखा जाता है क्या, तो साइन 45 को रेडियन π/4 लिखा जा रहा है, तो उसी तरह से करूंगा दोस्तों क्या लिखूंगा, तो साइन इनवर्स लिखूंगा दोस्तों, साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री माने दोस्तों π/4 का रेडियन में, और ये दोस्तों मैंने बताया है कि साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर जो होता है दोस्तों वो एक्स के इक्वल हो जाता है, ये यानी कि एंगल के इक्वल हो जाता है दोस्तों। क्या एंगल के इक्वल हो जाता है, यानी कि दोस्तों जो साइन पाई बाई फोर जो देंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देंगे, ये पाई बाई फोर है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जो कि इसका करेक्ट आंसर देंगे। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा, इतने इजी पे मैं बताता हूं बिल्कुल आपको समझ में आना ही चाहिए। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का था, 14 नंबर क्वेश्चन का मुख्य मान निकाल देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम यहां पर आपको दोस्तों बिल्कुल समझा कर क्वेश्चन को छोड़ूंगा क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन दो मार्क्स का भी है और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का भी है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से दीजिए, वो इसी तरह एकदम सेम टू सेम दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन उसी तरह से दोस्तों बतलाऊंगा। देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, कॉस इनवर्स दोस्तों की दिया गया तो कुछ रहेगा, कॉस इनवर्स को पहले लिख देना दोस्तों, ठीक है, कॉस इनवर्स और यहाँ पर दोस्तों कॉस लिखना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान देना, कॉस इनवर्स तो दोस्तों लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, देखिए भीम का जोड़ आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, पाई बाय सिक्स दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पाई बाय सिक्स। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, जब इसका लघुतम करोगे दोस्तों तो तीस ये दोस्तों 13 पाई बाई सिक्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, लघुत्तम का होगा तो 6 लघुत्तम आएगा, 6 दूनी के 12 पाए और प्लस पाए बराबर दोस्तों कितना प्राप्त हो, 13 पाई बाई सिक्स प्राप्त हो गए दोस्तों, ठीक है, 13 पाई बाई सिक्स प्राप्त हो गए, यानी कि दोस्तों ये प्राप्त हो जा रहे हैं, तो इस तरह से मैंने दोस्तों लिखा, ठीक है, ताकि दोस्तों आपका जो मुख्य मान जो होता है दोस्तों रेंज और डोमेन पढ़ोगे वहीं से मैं यहाँ पर दोस्तों ट्रिक वाइज बतला रहा हूँ, ये दोस्तों ट्रिक नहीं इसी तरह का सॉल्व ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स, अब पहले दोस्तों ध्यान समझिए, यहाँ पर वो छोड़िए अभी, पहले यहाँ पर कॉस 2π यानी कि दोस्तों 360 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा जो होता है दोस्तों, जो कॉस 360 प्लस थीटा होता है दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में होता है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो चार ऑप्शन आपके पास देंगे, ये दोस्तों जो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वो कौन से चतुर्थांश में देंगे, तो दोस्तों चौथे चतुर्थांश में देंगे, क्योंकि 360 प्लस थीटा जो होता है वो दोस्तों चौथे चतुर्थांश में, क्लास 11th में पढ़े ही होंगे दोस्तों, मैं आशा करूँगा 360 प्लस थीटा, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों कि ये पाई बाई सिक्स हो जाएंगे प्लस में, तब यहाँ पर मैं दोस्तों उसी तरह से लिखूंगा दोस्तों, अब क्या लिखूँ आप ध्यान से समझिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, तो पाई बाई सिक्स लिखूंगा, क्या दोस्तों पाई बाई सिक्स लिखूंगा, क्यों तो 360 प्लस थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर प्लस में होता है, अभी इसका जो मान होता है दोस्तों कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के इक्वल होता है, यानी कि पाई बाई सिक्स हो जाएंगे दोस्तों, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जो कि इसका करेक्ट आंसर देंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल आपको दोस्तों समझ में आएगा, नहीं समझ दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बतलाना, इतना इजी पे मैं बतलाया हूँ दोस्तों कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों, 15 नंबर, इसका आप लोग दोस्तों आंसर कमेंट करके बतलाएं दोस्तों, इसका आंसर भले ही लंबा निकलेगा दोस्तों लेकिन मैं बतला देता हूँ किस तरह से आपको निकालना है। देखिए दोस्तों साइन इनवर्स जो दिया गया है, मान लीजिए इसको थीटा मान लीजिए, जो साइन इनवर्स दोस्तों है इसको दोस्तों 3/5 बराबर थीटा मान लीजिए, तो थीटा बराबर दोस्तों जो प्राप्त हो साइन थीटा बराबर जो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो 3/5 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टैन का मान निकाल सकते हो, टैन का मान निकाल जाएगा दोस्तों तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का सूत्र लगेगा, इससे दोस्तों आप पाइथागोरस प्रमेय से 3/5 जो दिया गया sin थीटा / tan, इसको दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के दोस्तों अनुसार निकाल के बताना इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आता है दोस्तों, मैं यहां पर सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, देख सकते हो कितना लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए tan इनवर्स x + cot इनवर्स x का मान कितना होता है, चलिए बताइए, अधिकतर स्टूडेंट बता सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स जो होता है दोस्तों प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, तो पाई बाई टू के इक्वल होता है, था दोस्तों इसका मतलब है कि टैन इनवर्स एक्स और पाई कॉट इनवर्स एक्स जो होता है दोस्तों पाई बाई टी के पाई बाई टू के इक्वल होता है दोस्तों, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि इसका करेक्ट आंसर देंगे दोस्तों, एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों एकदम समझते रहे, एकदम एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों सेक इनवर्स एक्स का यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा, पारस पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, सेक इनवर्स एक्स का देखिए सेक इनवर्स जो होता है दोस्तों जीरो से पाई तो होता है लेकिन दोस्तों पाई बाई टू माइनस होता है, यानी कि दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्यों दोस्तों तो ध्यान से समझिए,
जीरो टू पाई होता है दोस्तों, मैं जानता हूँ अधिकतर स्टूडेंट मानेंगे, लेकिन बी को मार कर चले आएंगे दोस्तों, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझिए, माइनस पाई बाई टू होना चाहिए, जो माइनस पाई बाई टू, जीरो टू पाई तो दिया गया लेकिन दोस्तों ये माइनस पाई बाई टू होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। अगर परास का दोस्तों रेंज का आप दोस्तों पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताना, जो परास और रेंज होता है दोस्तों उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, ताकि आपका दोस्तों एक या दो नंबर का एग्जाम में आएगा तो आप लोग दोस्तों किसी प्रकार के समस्या में नहीं फंसोगे। आप लोग यार कमेंट करके बताना, मैं बिल्कुल दोस्तों आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइन इनवर्स 1/x का पूछा है। मैंने फिलहाल में शुरुआत में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को बताया था दोस्तों, यानी कि इसका आंसर मैं पहले भी कराया था और इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यानी कि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का दोस्तों जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसी वक्त भी दोस्तों मैंने कराया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर का यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन होता है उसका भी मैं सॉल्व नहीं कराया हूँ, चैप्टर वाइज कराया हूँ, उसमें इसका आंसर बता चुका हूँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोसेक इनवर्स एक्स। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों फलन को पकड़ना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक फार्मूला बताया था डिफरेंशिएशन में, अगर डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के यार देख लेना, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में समाकलन अवकलन के इतने बेजोड़ दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ से जाकर के देखो तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों साइन स्क्वायर यानी कि दोस्तों मैंने एक फार्मूला बताया था, एक्स के पावर एन रहेगा अवकलन में, अब कलन में दोस्तों रहेगा तो एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, लेकिन समाकलन में दोस्तों क्या होता है तो एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, लेकिन यहाँ पर अब कलन का दोस्तों डी बाई डी एक्स का अर्थात है दोस्तों अब कलन, तो यहाँ पर दोस्तों पावर गुना करूँगा दोस्तों और एक घटा दूंगा तो दोस्तों करूंगा तो टू साइन इनवर्स टू साइन एक्स होता है, इसमें गुनाएंगे और साइन स्क्वायर दोस्तों जो फलन होता है वो साइन एक्स का होता है, यानी कि दोस्तों इसका चैन रूल जो होता है वो साइन का होता है, इसका चैन रूल दोस्तों किसका होता है साइन एक्स का होता है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों साइन का कॉस होने का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं दो नंबर इस तरह करूँ, दो नंबर में जिस तरह से आप लोग बना दो इस तरह से होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों साइन एक्स, ठीक है दोस्तों, फिर डी साइन एक्स फिर डी एक्स करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस तरह से दोस्तों करोगे तो ये दोस्तों साइन स्क्वायर का टू साइन एक्स हो जाएंगे, ठीक है, टू साइन एक्स हो जाएंगे और दोस्तों कॉस का साइन का जो है वो कॉस हो जाएंगे। अब देख सकते हो कॉस ऑप्शन में दोस्तों दिया गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसका एक दोस्तों सूत्र होता है साइन टू, अगर साइन टू ए भी ऑप्शन में रहेगा तो भी आप लोग दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है। साइन टू एक्स भी होता है दोस्तों इसका सूत्र, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर समझ में नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए, एकदम इतनी जी पे मैं बताऊं कि बिल्कुल आपको समझ में आता ही होगा। चलिए साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला दोस्तों पूछा गया, ठीक है, फार्मूला दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर कॉस इनवर्स एक्स का दोस्तों पूछता तो कुछ नहीं करना माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ पर दोस्तों साइन का पूछा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लॉग एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन बताया, कई बार बताया हुआ दोस्तों वन बटा एक्स होता है, जो लॉग एक्स का दोस्तों जो डिफरेंशिएशन जो होता है दोस्तों जो डीसी होता है वो दोस्तों मैंने बताया कई बार बताया दोस्तों वन बटा एक्स होता है, क्या होता है दोस्तों वन बटा एक्स होता है, देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया दोस्तों, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों, यानी कि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों वो सेक स्क्वायर होगा। अगर दोस्तों समाकलन पूछेगा तो सेक स्क्वायर का, अगर सेक स्क्वायर का दोस्तों समाकलन पूछेगा तो टेन एक्स हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे टेन एक्स हो जाएंगे, क्यों, तो यानी कि दोस्तों इससे अर्थ निकलता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है जो इंटीग्रेशन का जस्ट विपरीत प्रक्रिया, यानी कि राइट आंसर दोस्तों टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्यों देंगे। चलिए दोस्तों कहता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो मान होता है दोस्तों वो पाई बाई टू होता है, यानी कि दोस्तों पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन पूछा और मैंने बताया कि कांस्टेंट का, देखिए दोस्तों आप लोग डिफरेंशिएशन का प्लीज यार वीडियो देख लेना, कांस्टेंट का जो मैंने बताया वहां पर बेसिक वहां पर दोस्तों बेहतरीन तरीका से बताया दोस्तों, जो कांस्टेंट का जो होता है दोस्तों जो डिफरेंशिएशन वो शून्य होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, यार हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को यार लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट बताइए कि 23 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने आते थे, हम आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं दोस्तों।
आप ये कमेंट करके आपको बता देना होगा कि वीडियो कैसा लगा है, और ये भी बताओ कि वीडियो में आपको दोस्तों कितने क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट तो करते हो लेकिन लाइव चैट में कमेंट करते हो, एक कमेंट बॉक्स नीचे होता है दोस्तों उसमें कमेंट करना होता है, आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर देते हो कि अच्छा लगा वीडियो, ऐसा लगा वैसा लगा, आप लोग कमेंट करके यार बताओ और वीडियो को शेयर करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, इसलिए कहता हूँ दोस्तों जाकर क्वेश्चन बैंक का दोस्तों यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से अध्ययन कर लीजिए, चैप्टरवाइज फिर क्वेश्चन बैंक तो आपके हाथ में मुट्ठी में होगा दोस्तों, ठीक है, जब सॉल्व कराऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।